बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे गाजर और आलू के कबाब। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाजर लेंगे कद्दूकश की हुई 2 अदद, टमाटर लेंगे 1 अदद बारीक कटा हुआ, प्याज लेंगे 1 अदद बारीक कटा हुआ, सब्ज़ मिर्च लेंगे 2 अदद बारीक कटी हुई, धनिया और पुदीना चंद पत्ते लेंगे कटे हुए, आलू आधा किलो लेंगे, अंडे 2 अदद फ्राई करने के लिए, चिली सॉस और सोया सॉस लेंगे, सुरख मिर्च लेंगे पीसी हुई 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साबुत नमक हसबे ज़ायका लेंगे, चाट मसाला 1 चम्मच खाने का, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच। सबसे पहले आलू मैश किए हुए लेंगे, उसमें कद्दूकश की हुई गाजरें शामिल कर देंगे 2 अदद, प्याज 1 अदद बारीक कटा हुआ शामिल करेंगे, टमाटर 1 अदद बारीक कटा हुआ शामिल करेंगे, सब्ज़ मिर्च 2 अदद बारीक कटी हुई, धनिया और पुदीना चंद पत्ते बारीक कटे हुए शामिल कर देंगे। खुशक धनिया पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, नमक हसबे ज़ायका शामिल करेंगे, सुरख मिर्च शामिल करेंगे पीसी हुई 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच साबुत शामिल करेंगे, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच मिक्स कर लेंगे और हाथ की मदद से कबाब बना लेंगे। इस तरह अंडे में डीप करके कबाब फ्राई करेंगे ऑयल में। ये देखिए कबाब हमारे तैयार हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं, चटनी के साथ तो और ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो आप भी बनाइएगा और बताइएगा कैसे बने। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।